अभी मौजूदा इम्तियाज साहब रिटायर्ड इंचार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका बोलना ये है कि दूसरा जो है टीजी भरत, उनका बोलना ये है कि ये दोनों का फर्क है। इम्तियाज साहब के पास सिर्फ गवर्नमेंट का एक जरिया है, टीजी भारत के पास जो है गवर्नमेंट के साथ साथ इनका ओन एक इनका जो ट्रस्ट है उसका एक क्या बोलते हैं वो एक जरिया है। करनूल की डेवलपमेंट होने के वास्ते क्या एक जरिया काफी है या दो जरिया काफी, आप वोट किसको देना बोलेंगे? आप स्ट्रांगली अपील, मैं 100% में बोलता हूँ मेरे दिल, वाईएसआरसीपी को छोड़कर जो है एनडीए से अलायंस हुई, वैसे सूरत हाल में जो है अब टीडीपी को ज्वाइन करना और वाईएसआरसीपी के बहकाव में आकर बाज मुसलमान जो है तेलुगु देशम से दूर होना, इसके ऊपर आपकी क्या राय है और क्या आप माइनॉरिटीज मुस्लिम माइनॉरिटीज को मैसेज देना चाह रहे हैं कि वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम अलायंस विद एनडीए उसके ऊपर आप, और इसके बाद में वाईएसआरसीपी की हुकूमत में मुस्लिम वेलफेयर कैसा रहा नवरत्नाल को छोड़कर? तो इसका मतलब है टोटल जो है चंद्रबाबू नायडू साहब के हयाम में उन्हें बहका देने के बाद जो नादान जो मुसलमान है उनको ये कह रहे हैं कि वाईएसआरसीपी की हुकूमत जो है एक सेंटीमेंट का एक मुद्दा लेकर जो है की हुकूमत बनाई 2019 में, और दूसरा जो है तेलुगु देशम पार्टी जो है सेंटीमेंट से नहीं बल्कि डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर जो है 2024 में आवाम और एक मर्तबा जो है सेंटीमेंट पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट पर वोट डालेगी और डेवलपमेंट को ही चुनेगी, जिसके चलते चाहे अब देखिए वाईएसआरसीपी से मिलकर अगर जीत भी गई, अगर कुछ भी अगर होगा तो लास्ट को जो है जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है फंड्स लाना पड़ता, तो वो विजनरी रखकर जो है चंद्रबाबू नायडू साहब जो है जाकर एनडीए से मुलाकात करें। और दूसरी बात, नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद महमूद पीर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज करनूल उर्दू। आज की खास बात में हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान है जो शहर करनूल करनूल असेंबली हल्के में गुज़िश्ता 2019 के इलेक्शन में कैसे उन्होंने वाईएसआरसीपी को जिताने की कोशिश की और कैसे इंडिपेंडेंट और दीगर जो पार्टीज़ के जो इंडिपेंडेंटली जो ठहरे थे वो लोगों को पूरा इकट्ठा कर उनको विथड्रॉ कराकर कैसे वाईएसआरसीपी के एक मुस्लिम कैंडिडेट हफीज़ खान को जिताने में इनका बहुत बड़ा ताउन था, और वैसे जो वाईएसआरसीपी को सपोर्ट करने वाले शख्स आज तेलुगु देशम पार्टी के अंदर जो है स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हैं और अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वाईएसआरसीपी को मदद करने वाले तेलुगु देशम में जाकर क्यों मदद कर रहे हैं, क्या उन्होंने वाईएसआरसीपी के अंदर से जो नज़ारे देखकर जो है उसको पार्टी को छोड़कर तेलुगु देशम में आकर उनकी खिदमात दे रहे हैं, उनके साथ आज हमारी खास मुलाकात है। और ख़ास बात में और ख़ास मुलाकात में जो है वो हमें बताएंगे कि क्यों क्या वजह थी वाईएसआरसीपी को छोड़कर तेलुगु देशम में आने की, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मुसलमान का कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, तेलुगु देशम पार्टी में जब हुकूमत दौरान हुकूमत तेलुगु देशम में मुसलमान कितना फ़ायदे में था और तेलुगु देशम पार्टी नहीं रहने की वजह से मुसलमान कितना नुकसान हुआ, ऐसे कई सवाल जो है आज हम हमारे खास मेहमान से बात कर उनसे ही आप तक सुनाएंगे। और उनका नाम है हमारे शेख वहीद हुसैन साहब जो महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम के ओनर है और रियासत आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी है। तो नाजरीन, ये है हमारे मेहमान शेख वहीद हुसैन साहब। वहीद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कर्नूल सिटी न्यूज़ में जो है आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बहुत सारे सवाल जो है आप तक है, जो हमारे नाजरीन को आप बता सकते हैं कि कैसे जो है तो वाईएसआरसीपी की हुकूमत में मुसलमान नुकसान हुआ फ़ायदे में रहा या तेलुगु देशम में आने के बाद मुसलमान फायदे में रहता नुकसान में रहता, ये सवाल हम बाद में करेंगे। नाजरीन, मैं आपको बताते चलूँ कि वहीद भाई जो है एक बैकग्राउंड में रहकर जो है मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरों के जो है बहुत सारे जो है खिदमात दिए वो सामने नहीं आ सकते। वहीद भाई, आपके बारे में बताइए, वहीद भाई कैसा क्या नहीं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमें इस्लाम के बुनियादी पे हम हैं, हम जो भी मुसलमान का जो जिम्मेदारी है उसको हर हमेशा हम अदा करने की कोशिश करते रहते हैं। जो
इस्लाम को जो फॉलो होने वाले एक पांच ऐसे एक हमारा पिलर्स है, एक कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये सारे के सारे, ये एक पार्ट है इबादत के लिए। और एक दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में थोड़ा ये दुनिया के लिए, एक मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस्लाम ऐसी जिम्मेदारी लेने वाली एक कौम है जी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरालिटी, एक इक्वालिटी और एक स्पिरिचुअलिटी इबादत और एक आके ह्यूमैनिटी इंसानियत। ये हर हमेशा इसके ऊपर मैं हर हमेशा डर से रहता हूँ मैं। हमें जितना हो सका हमें जिम्मेदारी लेने के वक्त आया, हमें जिम्मेदारी लेना, इंसानियत बनाने का बताने का जो वक्त आता, इंसानियत भी बताना, जो मोरालिटी वैल्यूज, जैसे कारोबार करना, जैसे नहीं करना, जो हराम का पैसा क्या है, हलाल का पैसा क्या है, ये पूरा जांच के हमें आगे बढ़ना। और हमेशा उससे मैं होशियार से रहते हैं हम लोग, दैट वो एक है। और एक स्पिरिचुअलिटी इबादत का लिए हम कुछ हमारे से जितना हो सकता हमें खुद इबादत को कंटिन्यू करते हुए, अभी जो जो भी हमारे मदरसे हो, जो हमारे मस्जिद आके था जी, कुछ ना कुछ हमारे जितना हो सका होता जी, हमें करते आगे बढ़ते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये हमें इसको ज़्यादा प्रोपेगेंडा उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता जी सर, इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन मेरा जो जिम्मेदारी है वो जहाँ तक मेरे से हो सका उतना करते आगे बढ़ते रहे। अच्छा 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 जी साहब, शुक्रिया। वहीद भाई, एक सवाल आपसे है कि तेलुगु देशम पार्टी YSRCP को छोड़कर जो है आप ऐसे सूरत हाल में जो है, जबकि TDP जो है NDA से अलायंस हुई, वैसे सूरत हाल में जो है आप TDP को ज्वाइन करना और YSRCP के बहकाव में कर बाज मुसलमान जो है तेलुगु देशम से दूर होना, इसके ऊपर आपकी क्या राय है और क्या आप माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज को मैसेज देना चाह रहे हैं कि YSRCP और तेलुगु देशम अलायंस विद NDA, उसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वहीद भाई? आप अभी आपको सेंसेक्स ये दिखता है अभी जी, 2019 में जितने मुसलमान भाई YCP को सपोर्ट करे जी, उसमें से तकरीबन आधे से ज्यादा लोग अभी तेलुगुदेशम पार्टी को मदद करने के लिए तैयार है। ओहो अच्छा, अभी वो सेंसेक्स, अभी वो जो भी सर्वे का रिपोर्ट आप निकाले तो उसके बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जी। 2019 में जितने लोग YCP को सपोर्ट करें जी, उसमें से आधे से ज़्यादा जी तेलुगु देशम पार्टी के साथ अभी चलने तैयार है। अच्छा, ये है अभी प्रेजेंट सिचुएशन, तेलुगु देशम पार्टी कायम करने वाली है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आप ये कौम के, अभी जो मुसलमान कौम सबसे ज़्यादा मुश्किल उठाए, सबसे ज्यादा नुकसान भी हुई है। ओके अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी नुकसान हुई जी, मुस्लिम कम्युनिटी नुकसान हुई जी, सबसे ज्यादा नुकसान हुई जी। मैं इसका वजह मैं बता सकता हूँ जी। अभी आप बोल रहे हैं NDA से जी, अभी प्रेजेंट जो सिनारियो AP का है, ये AP के ये प्रेजेंट फाइनेंशियल जो ये लैक ऑफ फाइनेंस डिसिप्लिन जी, ये सभी देखो तो प्रेजेंट सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूर से होना चाहिए जी। अभी NDA का गवर्नमेंट नेक्स्ट आने का थोड़ा ये इंफॉर्मेशन थोड़ा ये अंदाजा लग रहा, इसलिए तेलुगु देशम पार्टी जो AP का जो मजबूत करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है। अच्छा, इसीलिए हमें अलायंस करना ही भलाई के लिए। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का भलाई के लिए जी। हम लोग तेलुगु देशम पार्टी में इतना भरोसे से है हम लोग। अच्छा, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के जो नेशनल लीडर है हमारे नारा चंद्रबाबू नायडू साहब, उन्होंने 100% उन्होंने सेक्युलर जहन रखने वाले। अच्छा, इसलिए उनके बारे में सारे के सारे हमारे स्टेट के मुसलमान भाई जो एजुकेटेड है, जो समझते, सभी लोग उनके साथ मिलजुल के हैं। अच्छा, कल आप देखे तो मैनिफेस्टो भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मैनिफेस्टो है मुसलमानों के लिए जी। अब जो भी मुसलमानों के स्कीमात है जी, जितने भी स्कीमात, अब देखो तेलुगु देशम पार्टी के वक्त पे आए, अब एक स्कीम ऐसी स्कीम बताओ
वाईसीपी के गवर्नमेंट में अच्छी जो मुसलमानों के भलाई के लिए एक स्कीम आई जी, एक स्कीम बताओ आप बताओ जी, कौन सी स्कीम आई जी? ये है, वो है तेलुगुदेशम पार्टी। तेलुगुदेशम पार्टी का एक अलग से तरीका रहता, जो एनालिसिस करते, प्रोसेस करते, जो जरूरत है, जो कम्युनिटी को क्या जरूरत है उसका तहकीकात करके जी उसको कायम करते। अच्छा अच्छा, ये भरोसा लगा मेरे को, इसीलिए मैं तेलुगुदेशम पार्टी में ज्वाइन हुआ। रिसेंटली मैनिफेस्टो में भी जो है मुसलमानों के इमाम मौजनों के साथ साथ भी जो है हर मस्जिद रियासत आंध्र प्रदेश के हर मस्जिद को जो है हर महीना 5,000 का भी जो है मेंटेनेंस का देते हो, वो बड़ी खुशी की बात है जी। अच्छी बात। वहीद भाई, जैसे कि आप 2019 में जो है वाईएसआरसीपी को सपोर्ट करें, 2014 में जो है तेलुगुदेशम पार्टी में जो है उनकी हुकूमत में मुसलमानों का वेलफेयर कैसा था? माशाल्लाह बेहतरीन था। अच्छा, 2004 में, 2014 से 2019 तक तेलुगुदेशम पार्टी के साथ था। अच्छा, 2014 से 2019 तक जी। उसी वक्त अब देखो ये दुल्हन कब आया। अच्छा, कब आया दुल्हन? उसी दरमियान में आया जी। जो विदेशी विद्या कब आया जी? उसी टाइम पे आया। ये मौजन हमारे मौजनों और ये इमामों का जो रेस्पेक्टेबल जो रेम्यूनरेशन कभी आया उसी वक्त में आया ना जी, जी। जितने भी देखो ये हज हाउस कब आया जी? उसी टाइम पे जी। जितने भी मस्जिद को जो भी हमारे maintenance ये मेंटेनेंस के लिए उसी टाइम पे जो भी देख लो अभी यूनिवर्सिटी का जो वैसे तो ये जो स्कीम्स जो बोल रहे हैं वैसे जमाने से चल रहे थे, लेकिन तेलुगुदेशम पार्टी में ये स्कीम्स को जो है नहीं रोका गया जैसे कि वाईएसआरसीपी की हुकूमत में रोका गया। कंटिन्यूअसली जारी रखे जी 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 जी। और इसके बाद में वाईएसआरसीपी की हुकूमत में मुस्लिम वेलफेयर कैसा रहा, नवरत्नालु को छोड़कर? अभी देखो मैं आपको माशाल्लाह एक बेहतरीन एक मौका मिला आज जी, सारे के सारे हमारे मुसलमान भाइयों को एक अच्छा एक मेरा जो अंदर का जो इंटेंशन है, तड़प, जो तड़प है, जो भी एक मेरे अंदर से जो आपसे शेयर करने का बहुत दिन से मेरी प्यास है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी हमारे स्टेट में मुसलमान के आवाम स्टेट में सब हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें कंपेयर करें तो डिस्ट्रिक्ट, हाँ सभी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा आके कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में हमारी मुसलमान की कौम ज़्यादा है परसेंटेज जी, और पूरा स्टेट वाइड रायलसीमा में, रायलसीमा के रीजन में देखो तो रायलसीमा के रीजन में मुसलमान की कौम ज़्यादा है जी। ये मुसलमान की कौम कहाँ ज़्यादा है फिर वो भी देखो। अच्छा, मिनी अर्बन। ओके, अर्बन। ओहो, अब देखो आप देखो श्रीसैलम देखो जी, कांस्टेंट से आत्मकोर, वेलुगोड़, आलागड्डा, चागलमर्री, बनगानपल्ली, नंद्याल और नंदिकोटकोर जी, और ले लो आदोनी, कर्नूल, एम्बिगनोर, ऐसे मिनी अर्बन, अर्बन में आपको तादाद बहुत ज़्यादा तादाद है मुसलमान कौम की जी जी। अभी जो भी कामन जो स्कीमा निकालते जी, वाईसीपी के गवर्नमेंट में जो कॉमन के स्कीमा निकाले जी, ये जो विलेज वालों को भी और शहर में रहने वालों को भी और मिनी अर्बन में रहने वालों को हमें कॉमन से निकाल दिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान होते जो अर्बन में रहते हैं, जो मिनी अर्बन में रहते हैं उनको बहुत नुकसान होता। अच्छा, स्कीम से? स्कीम से, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब जो ये गाँव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं जी, उनको बहुत सारे स्कीमा उनके लिए एलिजिबिलिटी होते हैं जी जी, जो एग्रीकल्चर के भी हो, जो हॉर्टिकल्चर के भी हो, ऐसे बहुत सारे स्कीमा उनको सूटेबल होते हैं जो एनआरजीएस के हो जी। शहर में रहने वालों को एनआरजीएस का एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, ये नुकसान हो रहे हैं ना जी। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू साहब क्या करते थे, ज़्यादा मुसलमानों की कौम ये मिनी अर्बन में, अर्बन में रहती, इसीलिए उनका एक अलग से फंड निकाल के जी, अलग से फंड निकाल के उनको फंड को अलग से निकाल के वो पैसा इनके लिए खर्च करने का एक जरिया ढूंढे थे। अच्छा अच्छा जी, सेपरेट फंड निकालते थे ना, बजट सेपरेट एलोकेशन करते थे जी जी। अभी ये जो शहर में रहने वाले हैं जी, इनके जरूरियात अलग है जी, ये लो इनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं रहता जी, अभी जो फैक्ट्रीज है, जो बाकी के जो क्वारीज है उससे रिलेटेड नहीं रहता, इनके लिए
स्पेशल फंड अलग से निकाल के उसमें से ये ये मिनी अर्बन में जितने भी लोग हैं उसमें मुसलमान भी ले लो, दूसरे हमारे दूसरे जात के भाई भी, मजहब के भाई भी ले लो, सबको ले लो, सभी भी बेनिफिट होते हैं। अच्छा अच्छा। अभी इनके लिए उसी वक्त क्या करें, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्री स्कीम के लिए जो माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्री के लिए बहुत सारा सपोर्ट था जी जी, माइनॉरिटी फाइनेंस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से उनको पैसा मिलता था जी, और एक आगे उनके एमएसएमई के स्कीम्स में तहत उनको सब्सिडी मिल रहा था एमएसएमई जी, एमएसएमई में अच्छा सब्सिडी आ रहा था जी, और उनको लोन भी मिल रहा था जी, उन्हें खुद उनके पैरों पर खड़े रहने के लिए बहुत सारा वो कामयाब रहा था। अच्छा अच्छा। तेलुगुदेशम गवर्नमेंट, तेलुगुदेशम गवर्नमेंट, माशाल्लाह। ये तेलुगुदेशम के गवर्नमेंट जो चंद्रबाबू नायडू साहब है उनकी सोच ऐसी रहती कि उनको एक मुर्गा एक मुर्गी देके वो अंडे निकाल के फिर बिठा के फिर उसका एक बहुत बड़ा एक ये पोल्ट्री फार्म बनाने का एक जरिया बताते हैं। अच्छा अच्छा। अभी प्रेजेंट मेरे को ऐसा लग रहा कि ये गवर्नमेंट ये मुर्गा मुर्गी है तो मुर्गे को छुपा के रख के ये मुर्गी को टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़ा दिए जैसा दिख रहा। अरे वाह। उससे जो है मेरे लिए ऐसा दिख रहा जी 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 जी, उससे कुछ काम ये फायदा नहीं होता। एक टाइप की प्रोडक्टिविटी इम्पोर्टेंट, प्रोडक्टिविटी चाहिए। अभी अर्बन में जितने भी लोग रहते हैं उनके जरूरत क्या है जी, अभी सेंटरिंग काम करने वाले हैं जी, उनके लिए कुछ सेंटरिंग जो भी मटेरियल परचेस करने के लिए उनको पैसा दो जी, और उस पर सब्सिडी दे दो, मोटिवेट करो, और जो भी ये गोंडे के काम करने वाले हैं उनके लिए कुछ सपोर्ट करो जी, और माँ बहनें जो शहर में जो घर में से बाहर नहीं आने वाले हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत जी, उनको एम्ब्रॉयडरी जो ये मिशन से वो दे दो, और कुछ का ये कुछ बुरखे सीने का और कुछ जो भी है उन्हों क्या कर सकते हैं जी, क्या इंटरेस्ट है उसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट करके माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के तहत उनको लोन दे के सब्सिडी से कुछ एंकरेज करके उनको खुद उनके पैरों पे उन्हों खड़ा होने के लिए मदद करे तो माशाल्लाह हो सकते हैं आने वाले जमाने में वो भी एक छोटे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से 10 लोगों को रोजी रोटी दे सके, नौकरी दे सकते हैं। ये ऐसा देखना जी जी जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जकात लेने के हकदार ना बने, जकात देने के जिम्मेदार बने। माशाल्लाह। अच्छा, जकात देने के जिम्मेदार बने। अच्छा अच्छा। ये सोचता हूँ मैं जी जी जी। तो इसका मतलब है टोटल जो है चंद्रबाबू नायडू साहब के हयाम में पोल्ट्री फार्म बनाने का आइडियोलॉजी थी, और वाईएसआरसीपी के गवर्नमेंट में जो है मुर्गी को काट कर एक एक टुकड़ा देने का, जैसे नवरत्न स्कीम्स को। मेरा पर्सनल और दूसरा सवाल करके टीडीपी के तरफ से जो है मुसलमानों को, अब क्योंकि आप टीडीपी पार्टी में हैं, अब अलायंस जो है बीजेपी से है, तो आप मुसलमानों को क्या, माइनॉरिटीज को क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप कैसा उनके साथ, कौन सी पार्टी को जो है साथ दें उनका? मैं अभी जो ये हमारे अपोजिशन पार्टी वाले जी जो भड़काओ ये हमारे, अभी मैं रिसेंटली बहुत सारे देखा हूँ मैं जी, अभी CA लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, मुसलमानों का जो वोट निकाल दे रहे हैं जी, सिटीजनशिप खत्म होने जा रहा, करीब पाँच साल होने आ रहा है, इसी 5 साल में अभी इलेक्शन नज़दीक में आने के बाद ये चालू हो गया जी जी जी। जो भी पार्टी अपने अपने ख्यालात को, अपने अपने सेंटिमेंट को यूज़ करके, कौन सा सेंटिमेंट यूज़ करे तो हमारे को कैसे वोट्स ज़्यादा कमाने की कोशिश में ऐसे बातें बाहर आते रहते हैं जी जी, ये बिल्कुल गलत है जी। ये कोई भी, मैं सबको मैं आपको गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ इस मंच से, आप कोई भी इसके बारे में जो है बीजेपी के खुद अमित शाह बोल रहे हैं कि जो है ये पूरा मुस्लिम प्रातिपदिक इतना मतपात प्रातिपदा का नाम बोल रहे हैं, तो उसमें आपका क्या है? क्योंकि ये तो वाजे है, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन का जो रिजर्वेशन बोल रहे हैं वो जो हम नहीं बोले, बल्कि SC ST BC OC की बात करें, लेकिन माइनॉरिटीज़ की जो है बीजेपी कभी भी बात नहीं करी, जबकि जो है चंद्रबाबू नायडू साहब जो बोल रहे हैं कि हम जो है माइनॉरिटी 4% रिजर्वेशन के वास्ते फाइट करेंगे, आज की जो खबर है
ईनाडो में जो आई, तो उसमें जो है मैं कोशिश करता हूँ इसको रुकाने की बोलने का। इसके बाद आप मुसलमानों को क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं वही बोला ना, 4% का रिजर्वेशन कुछ भी होने वाला नहीं है। 4% का रिजर्वेशन कायम था जी, कायम है, कायम रहेगा। ओके, ये तो 100% पक्का है जी जी जी। मैं शाहनवाज साहब से जो डिस्कशन में ये बात आई जी, अभी रिलीजियस के ऊपर जी, रिलीजियस के ऊपर सबको देना नहीं जमता। जो इस्लाम में है, इस्लाम को, इस्लाम में जितने लोग हैं उतने लोगों को ये रिजर्वेशन देना नहीं होता जी। अभी हमारे 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 दूसरे मजहब के भाई हैं, उनके मजहब के ऊपर सभी लोगों को रिजर्वेशन देना नहीं जमता जी, नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने साफ साफ बता दी जी। अब देखो हमारे और एक मजहब है, हमारे हमारे हिंदू भाई है, पूरे हिंदू भाइयों में जितने भी लोग हैं सबको रिजर्वेशन आ रहा क्या? नहीं, नहीं आ रहा। अभी हमारे मजहब में जितने भी लोग हैं सबको रिजर्वेशन अप्लीकेबल हो रहा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से सैयदों को नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये मुगल्स को नहीं हो रहा। हाँ, मेरे ख्याल से ये नो पठानों को, ये जो खान साहब है उनको नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। ये अपर कास्ट है जी, अपर कास्ट वाले को नहीं हो रहा जी। जो बैकवर्ड कास्ट है जी, उनको रिजर्वेशन हो रहा जी। ये बात साफ साफ हमारे से जी शाहनवाज साहब बताए, जो भी बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं। उसके ऊपर हमारा सोच भी नहीं है हमारे पार्टी का। अच्छा, जो मजहब के ऊपर सभी को अप्लीकेबल नहीं होता, ये बात तो उन्होंने बोल रहे जी, जी। ये थोड़ा लॉजिकल से जी जुड़ के है जी, ये रिजर्वेशन खत्म नहीं होने वाला जी। और एक साफ साफ बता दिया। और एक बात वहीद भाई, 2014 में भी जो है TDP अलायंस विद इंडिया थी, अभी भी जो है TDP अलायंस। अभी देखो 2014 से 2019 तक TDP और ये BJP मिलके थे, इंडिया में थे जी जी। कुछ मुसलमानों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए क्या? नहीं। जो स्कीमात को कुछ रोके क्या? नहीं, कुछ भी नहीं ना। नहीं। मंडली चेयरमैन हमारे NMD फारूक साहब थे जी जी, उसी वक्त जी जी, अभी मिनिस्टर भी थे उन्हों जी। ये सारे के सारे जुमले कब आते हैं? इलेक्शंस के सामने आते हैं। अच्छा अच्छा, अभी जो हमारी जो अभी YCP पार्टी है जी, ये पार्टी कैसा ऊपर है? 2014 से 2019 तक, 2019 में भी इमोशनल सेंटिमेंट, ओके, इमोशनल सेंटिमेंट के बुनियाद के ऊपर वो पार्टी को एस्टेब्लिश करी जी, पार्टी को हुकूमत में लेके, ओके, वो ऐसा एक अच्छा डेवलपमेंट करके नहीं। अच्छा अच्छा, वो नई पार्टी जी, जो हमारे जनाब VS राजशेखर रेड्डी साहब के ऊपर जो प्यार मोहब्बत था सारे के सारे दो स्टेटों के लोगों पे जी जी, उसका जो इमोशनल का फायदा उठा के जी पार्टी को एस्टेब्लिश करे जी, वो इमोशनल सेंटिमेंट से पार्टी को कायम करे जी। अभी गवर्नमेंट भी वो बुनियादी पे आई जी जी, सेंटिमेंट के ऊपर जी जी जी। अभी उनको पता चला कि सेंटिमेंट बहुत अच्छा वर्कआउट होता। अच्छा अच्छा, इसीलिए अभी जो भी मुसलमानों का थोड़ा जो भी सेंटिमेंट से फायदा होता बोल के ऐसे ज्यादा वायरल कर रहे बोल के हमारे को लग रहा है। अच्छा अच्छा, हम भी कंप्लेंट कर रहे हैं ऊपर जी जी, ये तो जारी है जी जी जी। सेंटिमेंट ज्यादा वो सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं जी जी सर। अच्छा अच्छा, अभी चंद्रबाबू नायडू साहब को मैं नजदीक से देख रहा हूँ पिछले 2 साल से ज्यादा उन्हें बात करें तो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं जी जी। बहुत खुशी की बात है उनसे, उनके प्रेजेंट, उनके प्रेजेंसी में जी थोड़े बात निकाले। कर्नूल शहर के नजदीक में तड़कनपल्ली है जी, तड़कनपल्ली में कवा बनाते हैं जी, वो कवे को एक ब्रांड क्रिएट करके, हाइजीन मेंटेन करके, ब्रांड क्रिएट करके, मार्केटिंग करके, उनको कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट करने का, उनका बिजनेस को और दूर तक लेके जाने का सोच है मेरा जी जी, ऐसे ख्यालात रखते। अच्छा अच्छा, इससे पहले जब तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी 2004 से पहले जी, अभी आटो नगर कब आया? आटो नगर 2000 में समझ रहा हूँ। गवर्नमेंट कौन सी थी? तेलुगु देशम गवर्नमेंट। कभी भी देखो जो भी प्रोडक्टिविटी, जो डेवलपमेंट,
10 लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जो जरूरत जरूरियात है, ऐसे काम तेलुगुदेशम पार्टी के हुकूमत में ही हुई है जी सर। उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उनका हर हमेशा उनके जो योगदान कामयाब रहा जी जी जी। और वो हिसाब आपके जो बोलने के हिसाब से देख रहे आप, क्योंकि आप जो है वैसे तो अब तक की जो है स्टेट की बात हुई, क्योंकि आप मुकामी कर्नूल के हैं, शहर कर्नूल में भी जो है अब यहाँ YCP और TDP में जो है नेक टो नेक है, क्योंकि सडनली जो है हमारे साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इम्तियाज साहब जो है YSRCP का जो है कंडवा पहनने के जो है यहाँ से MLA के सर का कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कैंडिडेट के सर का, और वही जो है 40 साल से TG भरत परिवार का जो एक 40 साल से जो सर्विस कर ले जा रहे हैं TG वेंकट साहब रहे, इन्होंने लास्ट में भी जो है TG भरत TDP से जो है पूरा एटलीस्ट 5400 चिल्लर वोट से जो है उन्होंने पीछे रह गए थे। ये बार आप अगर कर्नूल की आवाम को अगर वोट डालो बोल के अगर बोलेंगे तो किसको वोट डालने के वास्ते बोलते हैं और उसकी वजह क्या रहेंगी अगर उसके बारे में? मैं हमारे शहर कर्नूल के आवाम को मैं दरख्वास्त और गुजारिश करता हूँ, सियासत में बहुत सारे लोग आते रहते हैं जी। अभी मेरे ख्याल से जो मेरा एनालिसिस में सियासत में ऐसे लोग रहते जो ह्यूमैनिटी है अच्छा, और जो फ्रैक्शनिस्ट है अच्छा, जो कैपिटलिस्ट है जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जी, जी जो कम्युनिस्ट है ओके, कम्युनिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट फ्रैक्शनिस्ट ह्यूमनिस्ट। अभी प्रेजेंट माहौल में ह्यूमनिस्ट अभी पॉलिटिक्स में है बल्कि मैं नहीं बोल सकता जी। ह्यूमनिस्ट इतना इंसानियत साइकिल पे जाके CM के ऑफिस में जाके ऐसे पढ़ने पड़े जी, जी लेकिन मैं तो नहीं देखा जी, जी। अभी चीफ मिनिस्टर भी साइकिल पे जा रहा था बोल के मैं पढ़े लेकिन हम नहीं दे सके जी, जी। वो लोग तो नहीं है जी। प्रेजेंट कम्युनिस्ट को अभी जो सभी लोग एक साथ हमें रहना सभी इक्वल से रहना ऐसा उसको भी अभी प्रेजेंट लोग सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन माहौल थोड़ा चेंज हो गया जी, जी। अभी बाकी कौन है? कैपिटलिस्ट है जी, फ्रैक्शनिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये तीनों में कौन बेटर आप बताओ, हु इज बेटर फॉर अस? मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्रियलिस्ट। मैं क्या बोलता हूँ, 10 लोगों को रोजी रोटी दे सके जी। अभी कैपिटलिस्ट क्या करता है, कम मैन पावर से ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखता है जी। वो रियल एस्टेट में उधर इधर इधर उधर इन्वेस्ट करते रहते हैं, शेयरों में इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो ये ह्यूमन रिसोर्सेस जी। अभी मैं जीना मेरे साथ 10 लोग जीना जी, ऐसा सोच उसको नहीं रहते अच्छा। अभी वो इधर भी इन्वेस्ट कर सकता, नहीं जापान में अच्छा प्रॉफिट आया तो जापान में कर सकता जी, नहीं दुबई में अच्छा प्रॉफिट आया तो दुबई में कर सकता जी। उसको इधर के जो आवाम है ये आवाम को रोजी रोटी बढ़ाना, इनको एक एम्प्लॉयमेंट देना, इनको कुछ काम देके उनको डेवलप करना, शहर का ख्याल रखना, जो भी जरूरियात है इसके जरूरियात के बारे में थोड़ा हम भी जिम्मेदारी लेना जी, ऐसा इनको सोच नहीं रहते अच्छा अच्छा। अब अमेरिका में इन्वेस्ट करना तो चलो अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करते जी, कैपिटलिस्ट का सोच ऐसा, कैपिटलिस्ट की सोच जी। अभी फैक्शनिस्ट का तो जमाना खत्म हो रहा जी। मैं क्या सोचता हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जी, मैं जीना मेरे साथ 10 लोग को जिलाना जी। अभी मैं भी एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ जी। अभी हमारे जितने भी हमारे शोरूम्स है, जितना भी हमारा ये एग्रीकल्चरल फार्म इक्विपमेंट का जो बिजनेस है जी, 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमारे वालदा वालिद साहब हमारे कैसा एक तरीका बताए, हलाल रोजी रोटी का हमारे एक रास्ता बताए जी। हमें कभी भी ये लैंड ग्रैबिंग ये इसमें हमें कहीं भी नहीं करे, हलाल का पैसा हर हमेशा खाते रहे अच्छा अच्छा। मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट जी, अभी TG वेंकटेश साहब हमारे कर्नूल शहर में ऐसे एक शख्स है जी, मैं उनको 25 साल से देखता हूँ ओके। ऐसे एक शख्स है, हर एक जो भी सेगमेंट हो उनके तरफ से कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उसमें उनकी है, कुछ ना कुछ फायदा लिए जी। अभी कर्नूल शहर में ये फैमिली को हटा के देखो कर्नूल क्या है, अगर TG फैमिली को हटा के अगर कर्नूल को देखेंगे तो देखो कर्नूल में क्या दिखता है आपको बताओ। इंडस्ट्रियलिस्ट उनके सोच क्या रहते,
मैं भी डेवलप होना जी, मेरे साथ लोग भी डेवलप होना जी, मैं एम्प्लॉयमेंट्री जनरेट करना जी। अभी बहुत सारे लोग मेरे से ये बात, ये तकरीर होते सख्त बहुत से लोग बोलते वाहिद भाई आप ऐसा बोल रहे हैं, जो रायलसीमा अलकल इसमें काम करते हैं, बहुत सारे हजारों लोग बाहर से लाके रखे हैं वो जी, जी। मैं गुजारिश करता हूँ, ठीक है आप बाहर से लाके रखे बोल रहे, अभी बाहर के लोग इधर आके हैं, फायदा किसको हो रहा जी? अभी इधर कपड़े बेचने वाले हैं कर्नूल के लोग, कर्नूल में अभी जो भी ग्रासरी बेचने वाले बिजनेस अभी बाहर से आके इधर है, एक एक बंदा महीने में 30-40 हजार रुपए कमा रहा ये फैक्ट्री में रखे, ये 40 हजार में से 30 हजार उसके घर के लिए खर्च कर रहा जी। इसका फायदा कौन उठा रहे? कर्नूल का आवाम उठा रही है, नहीं बिहार वाला उठा रहा, नहीं यूपी वाला उठा रहा, कर्नूल की आवाम। फिर फायदा किसको हो रहा? अरे कर्नूल की आवाम से जैसा कि मैं गुजारिश करता हूँ जी जी, मैच्योरिटी की सोच रहना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि और बढ़े और इंडस्ट्रियलिस्ट और जनरेट हुए, हमारे कर्नूल में बहुत सारे नौजवान जी, बहुत सारे नौजवान, उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हर हमेशा हर साल भी आप देखो बहुत सारे, अभी इधर देखो ये पुल्लैया कॉलेज है, पुल्ला रेड्डी कॉलेज है जी, और कितने कॉलेज है इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा के कितने कॉलेज है, डिग्री के कितने कॉलेज है जी, ये सारे के सारे बच्चे पढ़ के बाहर आते हैं जी। अभी एक इंजीनियर बन के बाहर आता जी, इंजीनियर बन के बाहर आता उसको काम होना ना जी, सही, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आता काम होना ना। अभी कितने लोग मेरे ख्याल से तकरीबन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोर देन 10,000 पीपल्स काम कर रहे हैं मेरे को मालूम हो गया कर्नूल, इनके पास टीचर्स बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हमारे दोस्ती ऐसा ऐसा, मैं तेलुगुदेशम पार्टी में रह के मैं उनको मदद करता वो नहीं है, इंसानियत से जी जी। मैं लास्ट उनके मुखालिफत में मैं जब पार्टी में था 2019 में मुखालिफत में काम करे जी जी, लेकिन बाद में हमें ऐसा सोचे थे कि वही एस राजशेखर रेड्डी साहब से ज्यादा काम करते हैं जगनमोहन रेड्डी साहब। अच्छा। कर्नूल को ऐसा बना देते जी, कर्नूल में एक ताजमहल बनाते हैं, बहुत बड़ा ये चेंजेस हो जाता, बाप से ज्यादा ऐसा सोचे थे, लेकिन उनके जो ख्यालात है जी, जो उनके स्कीमात है वो प्रेजेंट अर्बन मिनी अर्बन में जो भी लोग है उनके लिए नुकसान हुआ। अच्छा, फायदा नहीं हुआ जी जी। अभी तुंगभद्रा का रिवर है जी, तकरीबन आप ले लो मंत्रालय कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ शुरू होता उधर से कर्नूल के पास एंड होता जी, इधर तक तुंगभद्रा का रिवर से जी, रिवर बेड के कितने भी लोग बहुत सारे लोग इसके रेती को ट्रांसपोर्ट करके उनकी रोजी रोटी चला रहे थे जी। अभी कितने लोगों का रोजी रोटी खत्म हो गया। माय गॉड, अच्छा ये हमारे कर्नूल शहर में ऑटो नगर की हालत एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीमा है स्टेट गवर्नमेंट के स्कीमा है जी, उनको सब्सिडी भी मिलता जी, उनको एंकरेज करने के लिए फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से उनको बहुत सारे सपोर्ट मिलते और डेवलप करने के लिए। ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जी, जो टीजी फैमिली, इन लोग का सोच अलग रहता। अच्छा, कभी भी मैं और मेरे साथ सब लोग में डेवलपमेंट होना ऐसा सोच रहता, इसलिए ऐसे लोग रहना बहुत बेहतर है। तो बेहतर है कि माने आपका कंक्लूजन ये नहीं हुआ कि वही भाई कि अभी मौजूदा इम्तियाज साहब रिटायर्ड इंचार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका बोलना ये है कि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं जो है कर्नूल को डेवलपमेंट कर दूँ, नंबर वन। दूसरा जो है टीजी भरत, उनका बोलना यह है कि 40 साल के जो हमारे सर्विसेज है वो तजुर्बा, और हमारे उनके वालि साहब जो मिनिस्टर रह चुके वो तजुर्बा, और इनका तजुर्बा, और इनके फैक्ट्री के पास जो है, अगर मैं अगर MLA बन जाऊंगा तो मैं यहाँ पे जो है फैक्ट्री से लाकर जो है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का जो यूथ है उनको नौकरियां दे दूंगा, उनको बोलना। ये दोनों का फर्क है। इम्तियाज साहब के पास सिर्फ गवर्नमेंट का एक जरिया है, टीजी भारत के पास जो है गवर्नमेंट के साथ साथ इनका ओन एक इनका जो ट्रस्ट है उसका एक क्या बोलते हैं वो एक जरिया है। कर्नूल की डेवलपमेंट होने के वास्ते क्या एक जरिया काफी है या दो जरिए काफी? आप वोट किसको देना बोलने की आप स्ट्रांगली अपील? मैं 100% मैं बोलता हूँ, मेरे दिल के गहराई से मैं बोल सकता हूँ, मैं जी मैं
तकरीबन 25 साल से मैं ये टीजी साहब से और भरत अभी अभी आ रहे हैं, टीजी साहब से 25 साल से हमारे मुलाकात होती रहती है। मैं नज़दीक से बहुत ना करीब से मैं उनको देख रहा हूँ। उनसे बहुत सारे कर्नूल में बहुत सारे फायदे हुए और ना नहीं बोल सकते, बोलने के लिए भी उन हिचकिच करते हैं जी जी, नहीं मेरे बारे में मैं नहीं बोलना, ये हाथ से करें तो ये हाथ को ना मालूम होना, ऐसे बोलते रहते जी। अभी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कैसा रहता, सम परसेंटेज सोशल एक्टिविटीज के वास्ते, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वास्ते खर्च करना जी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच रहती सोशल सर्विस करना, सोच रहते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छी उसमें सोच रहे थे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जी। अभी कॉर्पोरेट कंपनी के इक्वल रहते हैं हमारे टीजी साहब, होता छोटे बिजनेस में उन्हें बहुत पैसा खर्चा करते, बाहर नहीं बोल सकते, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा रहते जी। अभी आप बोल रहे हैं कि अभी जो क्या नाम इम्तियाज साहब से मेरे को अभी तक पहचानत भी नहीं है जी। मैं कभी उनसे नहीं मिला, ना उन्होंने मिले जी। अभी मैं ये कह सकता हूँ जी, जो नाम सुनने में आ रहा इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब एक आईएएस ऑफिसर है जी। उनका जुडिक्शन पूरा स्टेट उनके हाथ में था। ओके, एक टाइम पे जी पूरा स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी था ना जी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी है बोले तो पूरा स्टेट उनके हाथ में था जी जी। अभी फिर बाद में एक आईएएस ऑफिसर कलेक्टर से थे जी, पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके हाथ में था जी जी। अभी ये सिर्फ एक कांस्टेंट से उनके हाथ में है। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा नहीं उन्हों उस जब से बड़े होदे पे ऐसा मैं तो वो नहीं बोल सकता जी, लेकिन अल्लाह ताला उनको बहुत बड़े होदे पे नवाजा था। अच्छा अच्छा, अभी जो जिम्मेदारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी जी, उससे पहले पूरा एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी निभाए। अच्छा, उससे पहले स्टेट के, उसके बाद फिर स्टेट की जिम्मेदारी निभाए जी, अभी आके आखिर में आके एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी ले रहे जी जी। मैं उस जो स्टेट की जिम्मेदारी निभाते वक्त जो काम करे थे जी, बाद में डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदारी लिए थे पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके हाथ में था जी, जब उन्हें क्या क्या करे ऐसे कुछ अच्छे काम लोगों में करके उन्हें प्यार मोहब्बत करके थे तो अच्छा उनको भी भलाई होता। अच्छा, लेकिन मेरे नजर से जो टीजी साहब को देखा जी, अभी कर्नूल शहर में बहुत सारे हमारे जितने भी मेरे को जान पहचान वाले हैं सभी लोग जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको उनके तरफ से हमारे कर्नूल शहर को फायदा हुआ ऐसा इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं जी जी। बहुत सारे लोग बाहर खुल के बाहर नहीं बोल सकते, थोड़े हमारे मुसलमान कौम हमारे भाइयाँ थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करते हैं जी जी जी। अभी मेरे को प्रेजेंट जो दिख रहा बहुत अच्छे मेजॉरिटी से जी जी, टीजी साहब हमारे भरत साहब तेलुगुदेशम पार्टी के उम्मीदवार जी, बहुत अच्छे मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, जीतने वाले हैं 100%। अच्छा, मैं आपको गुजारिश करता हूँ आपके सिटी न्यूज़ चैनल, आपके सिटी न्यूज़ चैनल के तहत आप मैच्योरिटी से सोचो, कोई भी छोटा छोटा सम परसेंटेज जी मुखालिफत में बात कर रहे हैं जी। अभी तेलुगुदेशम पार्टी और इधर के टीजी फैमिली सेक्युलरिज्म को डेवलप करने वाले लोग हैं, पार्टी वैसी है जी। ये जो कोई भी ये 4% रिजर्वेशन के बारे में, जो ये सिटीजनशिप के बारे में, जो भी भड़कावन का जो भी डराने के बात कर रहे तो जी, हमारे नोटिस में लेके आओ जी। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये एक जुमले उनके सेंटिमेंट के ऊपर जो ये इलेक्शन में लड़ना चाह रहे हैं ऐसे लोग बात करते हैं। जो तेलुगुदेशम पार्टी है जी, जो हमारे इधर लोकल के उम्मीदवार जो टीजी फैमिली है, डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, ऐसे सेंटिमेंट के भड़कावन के जुमले बात करने की जरूरत भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू साहब आज जो भी एक बुनियाद बना के रखे, सिर्फ डेवलपमेंट एक विजन जी, इसके ऊपर ही पार्टी को कायम रखे जी। मैं थोड़ा एक बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इतने लोग हमारे देखते होंगे जी जी। जो भी पार्टी आती, पार्टी एस्टेब्लिश होती एक सेंटीमेंट से आते जी। जो कांग्रेस पार्टी आई जी, गरीबी का सेंटीमेंट लेके आई जी। जो तेलुगुदेशम पार्टी आई जी, हमारे तेलुगु वारी आत्मगौरव ये सेंटीमेंट लेके बाहर आई जी। जो टीआरएस है जी,
टीआरएस आके तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना आत्मगौरव वो सेंटिमेंट लेके आई जी। फिर बाद में जो प्रेजेंट वाईसीपी गवर्नमेंट है वो एक इमोशनल सेंटिमेंट से आके पार्टी को एस्टेब्लिश करी जी। लेकिन जो सेंटिमेंट है जी। अभी भारत अगरचे होता है तो चंद्रबाबू नायडू जो डेवलपमेंट जो विजन का जो सेंटिमेंट है जी जी। वो हर हमेशा कायम रहता अच्छा, मजबूत रहता जी जी। डेवलपमेंट करना अच्छा जी। अभी नहीं सेंटिमेंट वो नफर क्योंकि फैला रहे तो थोड़े लोग जी जी फैला रहे वो लोग और उसको खत्म करना एक सेंटिमेंट साथ अभी अभी हमारे एक अलग से एक स्टेट बाजू में दूसरा एक स्टेट है जी। स्टेट वाले उन्होंने इनके ऊपर पत्थर डालते हैं इन्होंने पत्थर डालते हैं ये क्या है खेल है इन्होंने सेटिल से सेटिल बॉल उधर मारते हैं उधर से इन्होंने मारते हैं ये मैं आपके दरख्वास्त करता हूँ गुजारिश करता हूँ ये मजहब मजहब के बीच में प्यार मोहब्बत अमन चैन सब कुछ कायम है सब लोग अच्छे हैं एक एक साथ प्यार मोहब्बत से है जी। ये सियासत वाले का एक गेम है कोई भी भरोसा मत करे ऐसे इसके ऊपर जो इलेक्शन आगे आता है ऐसे वक्त में ऐसे जुमले आते रहते मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश करता हूँ ऐसे भड़काऊ भाषण पे कोई भी इमोशनल ना होए जरूरत नहीं है। वैसे ही इल्जाम जो है यहाँ टीजी फैमिली के ऊपर भी आता जाए कि टीजी 4.5 साल तक जो है टीजी फैमिली जितने भी जाए टीजी वेंकटेश हो या टीजी भरत हो ये जो है सेक्युलर रहते इलेक्शन के 6 महीने या 3 महीने पहले जो है एक लोग एकदम जो है ये लोग कम्युनल हो जाते माने 4.5 साल जो है सेक्युलर रहे सो बंदे 6 महीने में और 3 महीने में जो है कम्युनल हो जाते फिर जैसे इलेक्शन खत्म होते जो है लोग फिर सेक्युलर हो जाते ये लोग माने इसके वजह से हमारे कर्नूल के जो खासकर जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो हमारे को जो हमारे आदमियों को जो भड़का रहे मुसलमानों को जो भड़का रहे कि इन्हें जो है कम्युनिस्ट है इन्हें कम्युनल है इन्हें कम्युनल है तो ये लोगों हमारे खासकर कर्नूल की मुसलमानों को आप क्या टीजी वेंकटेश फैमिली की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी मैं कर्नूल के आवाम आके एजुकेटेड है जी जी अब जितने भी एजुकेटेड पीपल्स है जी जितने भी आप ले लो एजुकेटेड है थोड़ा जहन बनाने वाले है थोड़ा आइडियालॉजी इख्तियार करने वाले है सारे के सारे टीजी फैमिली से बहुत करीब है दोस्ती है जी एजुकेटेड जी जितने भी अभी एजुकेटेड मीन्स पढ़ाई का नहीं जी जी जो जो हालात को जो समझने की ताकत है सभी भी एजुकेटेड जी जी जो जो सामा जो अभी कर्नूल शहर के जो हालात को समझने की ताकत है सभी भी एजुकेटेड एजुकेटेड बोले तो डिग्री का ऐसा कुछ नहीं है जी। समझने की ताकत है जी जी ऐसे लोग सभी भी मैं रेगुलर से सबसे बात करता रहता हूँ बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लेता रहा ऐसा आप जो बोल रहे हैं वो सोशल मीडिया में थोड़े कम लोग सेंटिमेंट का जो फायदा उठाने वाले जो ये ऐसे जुगले निकाल के सोशल मीडिया में देते रहते हैं जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा, अच्छा। आप इंशाल्लाह आने वाला जो रिजल्ट देखो जून 4 तारीख को ना हाँ, जून 4 तारीख को जो आता है उस टाइम पे देखो बहुत अच्छी खास मेजॉरिटी से बहुत भारी मेजॉरिटी से टीजी भरत उम्मीदवार आ रहे अच्छा मैं बहुत से लोग मिलता रहता हूँ ना कल भी बहुत सारे लोग से मुलाकात हुई सभी उनके फैमिली से बहुत अच्छे ताल्लुकात है जी जी अच्छी दोस्ताना है अच्छा सब लोग के मिलजुल के रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो स्टेटस में जो इसमें क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में जो दिखता है वो सही वो सच नहीं जी जो सच है वो दिखता नहीं क्योंकि बहुत सारे समझदार लोग हैं बाहर बोलने की जरूरत क्या है जी 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 वो सच नहीं जो सच है वो दिखता नहीं जी जी तो आपका अटल फैसला ये है कि टीजी फैमिली जो है कम्युनल नहीं जबकि जो है पूरा टोटल एक इंडस्ट्रियल रहते हुए भी जो है कर्नूल को अगर उनको एमएलए भरत को अगर एमएलए बनाएंगे तो एक तो डेवलपमेंट भी होता है इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट होता है और यहाँ की यूथ को भी जो है 100% यूथ को भी जो है जो नौकरियां मिलने के पूरे चांसेस है 100% जी 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 डेवलपमेंट बोले तो क्या है एक देखो एक जमीन है जी जमीन को पानी की सहूलत नहीं जी उसको पानी की सहूलत दो जी प्रोडक्शन स्टार्ट होता जी अभी पीक आते प्रोडक्शन स्टार्ट होता तो क्या होता व्यापार आता जी अभी उसका फायदा उठाए जो जी फार्मर जी अभी इधर इंडस्ट्रियलिस्ट है जी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता एम्प्लॉयमेंट देता एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक एम्प्लॉयमेंट दोनों का एसोसिएट हुआ तो जी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता जी इधर पैसा बनता जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जी
एक एम्प्लॉय, दोनों का एसोसिएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो भी देखो ये एसोसिएट इम्पोर्टेंट, एक जमीन पानी एसोसिएट होना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक एम्प्लॉय एसोसिएट होना, ऐसा जो भी देख लो ये एसोसिएट करने का टेक्नोलॉजी नॉलेज सिर्फ वह चंद्रबाबु नायडु के पास है। अच्छा, और हमारे इधर लोकल में इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे खुशी की बात क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है जी जी। अभी जो भी पर्सनल एजेंडा नहीं, कॉमन एजेंडा के ऊपर काम करने वाले नो है हमारे जैसे लोग पूरा जी जी। अभी देखो हमें कभी भी एम्प्लॉय, मैं कभी भी आपसे बात करा तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही बात जी जी जी। सही बात है। तो वही भाई, ये जो हमारे मेरे वही से तो पब्लिक का डाउट्स है, पब्लिक के डाउट्स पूछते पूछते जो मेरे भी जो पर्सनल डाउट्स है वो भी क्लियर हो गया आपके साथ बात करने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है, आप हमारे कर्नूल सिटी न्यूज़ को आकर जो है आपका कीमती वक्त निकाल कर जो है यहाँ पे हमारे अवाम नाजरीन को जो है कर्नूल सिटी न्यूज़ के नाजरीन और कर्नूल की अवाम और रियासत आंध्र प्रदेश के अवाम का जो जितने भी डाउट्स थे वो पूरे क्लियर कर दिए। तो नाजरीन ये थे हमारे शेख वहीद हुसैन साहब, जिन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि YSRCP की हुकूमत जो है एक सेंटिमेंट का एक मुद्दा लेकर जो है YSRCP की हुकूमत बनाई 2019 में। जितना आवाम एक्सपेक्ट करी थी कि YS राजशेखर रेड्डी से ज़्यादा जो है YS जगनमोहन रेड्डी करेंगे, इनके वही भाई के कहने के मुताबिक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा जो है तेलुगुदेशम पार्टी जो है सेंटिमेंट से नहीं बल्कि डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर जो है हर बार डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर, गुज़िश्ता बार भी जो है डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर आई थी, लेकिन वो 2019 का एक सडनली जो है हमारे पास एक सेंटीमेंट का डायलॉग में जो है डेवलपमेंट को लोग जो है भूलकर जो है सेंटीमेंट पे वोट डाले। लेकिन वहीद भाई के बोलने के मुताबिक 2024 में आवाम और एक मर्तबा जो है सेंटीमेंट पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट पर वोट डालेगी और डेवलपमेंट को ही चुनेगी। जिसके चलते वहीद भाई ने ये भी क्लैरिफिकेशन कर दिया कि TDP NDA अलायंस माने BJP से मिलने की क्यों वजह थी, क्योंकि चाहे आप देखिए YSRCP भी जो है BJP से मिलकर अगर जीत भी गई, अगर कुछ भी अगर होगा तो लास्ट को जो है जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है फंड्स लाना पड़ता, तो वो विजनरी रखकर जो है चंद्रबाबू नायडू साहब जो है जाकर NDA से मुलाकात करे। और दूसरी बात ये तो हो गई रियासत आंध्र प्रदेश के क्या बोलते हैं पूरा टोटल डाटा, और कर्नूल के डाटा को वहीद भाई का बोलने का मतलब है स्टेट में विजनरी एक लीडर है चंद्रबाबू नायडू, एक पॉलिटिशियन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ जो है डेवलपमेंट करे। कर्नूल के अंदर जो है अभी जो टी जी वेंकटेश साहब के बेटे जो टी जी भरत जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं हमारे को तेलुगु देशम से, उन्होंने भी जो है एक सियासतदान भी है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। सियासतदान को अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर सियासत में अगर उनको MLA बनाने की अगर कर्नूल की अगर आवाम अगर उन्हें मौका दे रही तो वो अपना MLA का फंड्स और इनके जाती इंडस्ट्रियल फंड्स और कहीं ना कहीं जोड़कर जो है कर्नूल को डेवलपमेंट करेंगे। तो वाहिद भाई का खुला बोलने का मकसद है कर्नूल की आवाम से वो अपील कर रहे हैं कि अगर वो डेवलपमेंट चाह रहे कर्नूल को तो TG भरत को वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताए, क्योंकि सेंटीमेंट हर बार काम नहीं आता। एक बार सेंटीमेंट के ऊपर जो है हम वोट देकर देख चुके हैं कि रियासत आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट और शहर कर्नूल का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट माने जो है सिर्फ आपको रोड वाइंडिंग कर देना, पार्क्स बना देना और जो है थोड़े बहुत जो है शंकुस्थापना के टाइप में स्टोन लेइंग कर देना, ये डेवलपमेंट्स नहीं है। नाजरीन शहर कर्नूल हमारा बहुत सारा पीछे है। आप शहर कर्नूल की ओल्ड सिटी में ले लीजिए, क्या वहाँ पर आवाम कितनी परेशान है ट्रैफिक जाम से, ऐसे कई मसलों का TG भरत ने भी जो है उनके गढ़पागढ़ उनके पादयात्रा में जाकर जो है उन्होंने भी जो है एक एक अपना सेपरेट से जो है एक एक सुपर सिक्स का एक जो है उन्होंने भी पॉम्पलेट दिए कि जैसे वो MLA बनेंगे तो कर्नूल के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका हल करेंगे। एक TG भरत जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और वो अपनी मेहनत अपनी जीत के वास्ते जो है एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और बाज जो है YSRCP के बाज लीडर जो है उन्हें बहका देने के बाद जो नादान जो मुसलमान है उनको ये कह रहे हैं कि अगर YSRCP को नहीं जिताएंगे, अगर आप TDP को वोट डालेंगे तो आपके ऊपर जुल्म होगा। नाजरीन ये सरासर गलत बात है। आप जहन से सोचिए, आप जहन से ये सोचिए कि सेंटीमेंट आपको काम आने वाली है या डेवलपमेंट काम आने वाला है। आज हमारे को वहीद भाई का जो इंटरव्यू जो इतनी देर जो वक्त निकाल कर बोले हैं उन्होंने, हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जैसे कई ऐसे सवालों के जितने भी हमारे डाउट थे वो क्लियर कर दिए। नाजरीन मैं हूँ सैयद महमूद पीर,
आज की खास बात में हमने वहीद हुसैन साहब से जो है बात करके हमारे उनके जो है अच्छे मशवरा जो है लिए, फिर नेक्स्ट जो फिर अगले एक इंटरव्यू में हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलाने वाले हैं और आपके दिल में जितने भी डॉट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।